सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आप सोच रहे होंगे ये पार्ट टू जो इतना लेट में क्यों आ रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हो अभी मैं प्रॉपर अपना यूनिफॉर्म में हूँ और कॉलेज में हूँ। तो फिलहाल हमारा सेकेंड सेमेस्टर चल रहा था तो एडिट वगैरह करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं था। तो बाकी आज अभी जो है हमारा एग्जाम खत्म हुआ तो अभी मैंने स्टार्ट कर दिया शूट करना, क्योंकि वीडियो जो है जल्दी से जल्दी अपलोड करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बिना देरी किए चलते हैं और शुरू करते हैं हमारा पार्ट टू। तो फाइनली जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पेड़ के नीचे एक मंडप जैसा है। तो यहाँ पे हम लोग लगभग 20 मिनट से आधा घंटा लगभग रुके थे। और यहाँ पे जो है बहुत ठंडी हवा आ रही है क्योंकि बहुत हाइट पे है ये प्लेस, तो फ्रेश एकदम नेचुरल हवा है। यहाँ पे आसपास पॉल्यूशन का कोई नामो निशान नहीं है, बाकी अच्छा प्लेस है। इतना दूर आप चल के आओगे, यहाँ पर बैठोगे कुछ देर के लिए तो आपको अच्छा लगेगा। बाकी यहाँ से चलते हैं ऊपर, वहाँ पे देख सकते हैं चल रहे हैं। सो फाइनली जैसे कि आप लोगों ने देखा, मतलब ये है डेस्टिनेशन। हम पहले एक मतलब दुकान के पास रुके थे खाने के लिए, खाएंगे आगे खाएंगे ऐसा कन्फ्यूजन में वहाँ से चले हैं। बाकी सीधा के गाड़ी रुका कहाँ पे, डेस्टिनेशन पे। तो इसी वजह से क्या हुआ, हमारा खाने का प्लानिंग हो गया कैंसिल। तो बाकी क्या, अभी चलते हैं ऊपर। सूत्रों से पता चला है कि ऊपर खाना ऊपर खाना मिल रहा है, हम चल रहे हैं खाना खाने। बाकी मिलेगा तो ऊपर खाएंगे। तो गाइस जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे थे स्टेयर्स, तो यहाँ से आते हुए आप इस तरफ जा सकते हैं या फिर ऊपर। तो बाकी पहले चलते हैं यहाँ पे, थोड़ी देर के लिए रुकेंगे। बाकी यहाँ पे आप जो है शूज़ वगैरह निकाल सकते हैं, जैसे कि देख सकते हैं मैंने तो फिलहाल निकाल लिया है क्योंकि मंदिर है तो जूता चप्पल वगैरह निकाल देना अच्छा होता है। और बाकी वहाँ पर रहे हमारे गैंग वाले, यहाँ पे है हमारा शूज़ जैसे कि आप देख सकते हैं। बाकी ये रहा हमारा साइड व्यू, बहुत ही ज़बरदस्त है और यहाँ पे आप निकाल सकते हैं। बाकी पानी का बंदोबस्त है, आप यहाँ पे पैर वगैरह भी धो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ से देख सकते हैं व्यू कितना अच्छा है विश्वनाथ। मैंने लोकेशन कर रही हो? अरे लोकेशन क्या है, डेलांग 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 पूरी के आसपास पूरी एक ले पूरी के पास डेलांग। तो ये जो प्लेस है डेलांग के आसपास है, डेलांग जो पूरी के पास है, तो पूरी यहाँ से लगभग 20-30 किलोमीटर के आसपास ही होगा। बाकी यहाँ से आप देख सकते हैं जो है ग्राउंड यानी कि लेबल रोड लेबल जो है कितना नीचे है। यहाँ से ऊपर तक आने में आपका हालत एकदम ख़राब हो जाएगा। बाकी आने में आपका जो है जो भी आपका हार्डवर्क है वो और फिट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं हमारे बैग्स, तो बाकी देख सकते हैं बैग्स हेलमेट वगैरह हम लोगों ने यहाँ पे रख लिया है। बाकी निखिल भाई जो इंस्टा पे लाइव गए थे, और बाकी यहाँ पे पूजा सामग्री वगैरह का दुकान है और ऊपर है मंदिर, मंदिर के तरफ भी जाएंगे। बाकी यहाँ देख सकते हैं चारों तरफ ये है ओवरऑल मंदिर, और यहाँ से भी रोड है हिल के दूसरे साइड है ये, और यहाँ से भी आप ऊपर आ सकते हैं मंदिर देखने के लिए। और बाकी ओ सत्यजीत क्या कर रहा है, खाने के लिए पूजा करने के लिए पहले खाएंगे और ऊपर ये रहा मंदिर, जाएंगे तो फिर वहाँ पे अच्छे से दिखाएंगे। बाकी यहाँ पे जो है ठंडी हवा बहुत अच्छी है। सो ये आप जैसे कि देखा आप लोगों ने ये ओवरऑल प्लेस। बाकी यहाँ से जो बैकग्राउंड है क्या यार, सीन यानी कि नज़ारा बहुत ही अच्छा, जाने का मन नहीं कर रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही एकदम बिंदास। तेरा क्या है, ऊपर भोग लगाने के पहले तू क्या अपना भोग लगा रहा है अच्छा है, पहले पेट पूजा बाद में भगवान जी की पूजा।
यहाँ पे जो है आज टिफिन वगैरह नहीं हुआ है तो बस केला केला सब खा रहे टिफिन वगैरह नहीं है तो इससे काम चलाना पड़ेगा। तू क्या केला ए पॉलिथीन पकड़ लड्डू केला बिस्किट और क्या खा ले खा ले। सुबह जब हम नीचे गए थे उस तरफ भी स्टेयर से तो देखे उस तरफ रोड है, बाकी हम तो आए थे उस तरफ से तो इसी वजह से ऊपर जो हमारा हेलमेट वगैरह है हेलमेट शूज तो उनको लेने हम जा रहे हैं। बाकी यहाँ पे जो स्टेयर से थोड़ा ज़्यादा हाइट में है वेट कर रहा है हमारा सो गाइस फाइनली अभी हमारा यहाँ का घूमना हो गया ख़त्म। खाने के लिए कुछ नहीं मिला है तो अभी जाते वक्त देख लेंगे। यहाँ पे पूजा वगैरह हो रहा है तो ढोल ढिंडोरा वगैरह पीट रहे हैं। तो बाकी आज के लिए बस इतना ही था ओवरऑल प्लेस, तो मिलते हैं सीधा टिफिन खाते। सो गाइस फाइनली हमारा यहाँ पे क्या फोटोशूट और रील शूट वगैरह ख़त्म हो चुका है तो अभी हम यहाँ से निकलने वाले पैकअप हो चुका है तो मिलते हैं सीधा लंच पे। सो यहाँ पे रुके हैं सोडा पीने के लिए। सो गाइस फाइनली हमारा एग्ज़ाम हो चुका है ख़त्म। एग्ज़ाम जो है अच्छा खासा हुआ। अभी क्लासरूम का हालत भी आप देख सकते हैं, कोई भी नहीं है, सब चले गए, बस एक बंदा है प्रियो। ए प्रियो इधर आ, किधर गया? एग्ज़ाम कैसे हो आप? हाय, अच्छे ही होंगे। बाकी एग्ज़ाम कैसे गए? एग्ज़ाम तो एग्ज़ाम तो अच्छा गया। और एक बंदी आ गई हमारी। एग्ज़ाम कैसे गए? इतना भी अच्छा नहीं है, फिर भी ठीक है। ठीक है तो फिर एग्जाम जो है ओवरऑल अच्छा ही है। तो आप लोगों को तो पता ही है उस दिन हमने आपको हमारा जो लंच वंच किए थे उसको दिखा नहीं पाए थे। क्यों दिखा नहीं पाए थे भाई? क्योंकि हुआ ही नहीं था। हाँ, हुआ ही नहीं था। हम जो गए थे एक होटल पे तो वहाँ पे ऑलरेडी क्या स्टैंड बाय में 10 से 15 लोग थे तो हमारा वहाँ पे टाइम लगभग 1 घंटे से ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। इसी वजह से हम जो सीधा घर चले गए। घर जाने के बाद आपको पता ही होगा टायर्ड हो गए थे, इसी वजह से वीडियो एंड नहीं कर पाए। और बाकी जो है एग्ज़ाम भी बीच में आ गया, इसी वजह से एडिट वगैरह भी नहीं हो पाया। तो अभी एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है तो वीडियो जो है अभी मैं एडिट करूँगा, उसके बाद शाम तक जो है अपलोड कर दूँगा। चलो ठीक है। और बाकी एग्ज़ाम वगैरह तो अच्छे खासा गया, और फिर आगे क्या है? तो सुनो ये तो बात होती रहेंगी, और एक बात इम्पोर्टेंट बात आपको बताना है भाई के बारे में। अगले महीने जो है भाई का बर्थडे है, ठीक है? तो बहुत सारे ब्लॉग्स और वीडियो सरप्राइज वीडियोज़ वगैरह आने वाले हैं। तो फिलहाल अभी जो है मेरे चैनल में लगभग 850 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, तो मैं जो है आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा नेक्स्ट मंथ तक 1K कंप्लीट कर दो यार। हो जाए 150 रुपया लगेगा। हाँ 150 सब्सक्राइबर लगेगा, 150 सब्सक्राइबर लगेगा 1K होने के लिए। बाकी कर दो क्योंकि सरप्राइज वीडियो बहुत भी है, और एक हम लॉन्ग राइड का भी प्लानिंग कर रहे हैं जो कि आपको एक सरप्राइज ऐसा देंगे, अभी नहीं बता। ये आपको बोल रहा हूँ कि आपको इसका मेहनत तो पता ही है, आप वीडियो देख ले रहे हैं, 150 ऑलरेडी हो गया है। एक इनिशियली एक यूट्यूबर के लिए इससे मतलब इतना प्यार आपने दिया तो बहुत अच्छा लगा हम लोगों को, इसको भी लगा। तो सिर्फ 150 सब्सक्राइबर की बात है तो अभी फिलहाल जो है मेरे सब्सक्राइब मैंने हाइड रखा है, मगर इस वीडियो के बाद मैं लाइव कर दूंगा ताकि आप भी देख सकते हैं अभी कितना टारगेट बचा है। उसी हिसाब से जो है अपने फ्रेंड्स हो फैमिली मेम्बर्स हो सबको शेयर कीजिए ताकि 1K जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए। और बाकी आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे क्या नेक्स्ट टाइम। टिल देन बाय बाय एंड स्टे सेफ।